प्रमोद कुमार सिंह अपने YouTube चैनल एडवांस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12th के फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी यूजफुल साबित होने वाला है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी रेखा पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कैसे की जाती है, इसके फार्मूला को आप डेरिवेशन यानी प्रूफ कैसे करेंगे। दोस्तों हम इसी टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं। दोस्तों तो आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे मेरे द्वारा बनाया गया हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम इन्वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि लिखा गया है विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है दोस्तों, यदि परिमाण में समान तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश अति सूक्ष्म दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच का जो घटना घटती है दोस्तों उसी को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। अर्थात सिंप्लिसिटी लैंग्वेज में यदि हम बात करें दोस्तों कि विद्युत द्विध्रुव क्या है, तो इसकी परिभाषा आप सिंप्लिसिटी लैंग्वेज में लिख देंगे दोस्तों, यदि परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश अति सूक्ष्म दूरी पर स्थित हो तो उस घटना को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। एग्जाम्पल की दृष्टि से यदि शो करें दोस्तों तो सपोज मान लीजिए HCl, यदि इसका हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन कराएंगे दोस्तों HCl का, तो आपका बन जाएगा H+ Cl- आयन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों H+ और Cl- आयन, यानी इसमें एक प्लस आयन है और इसमें क्लोरीन में एक माइनस आयन है। तो आप ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने बताया कि परिमाण में समान यानी कि जो उसका वैल्यू है दोनों का सेम ही है, लेकिन इसका नेचर दोनों का डिफरेंट है, यानी यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है। तो यही यहाँ पर बात किया गया दोस्तों कि यदि परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश अति सूक्ष्म दूरी पर स्थित हो तो उस घटना को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। दोस्तों यह टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगला टर्म के बारे में यदि हम बात करें दोस्तों तो इसमें आया है विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, यानी एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। अर्थात विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन पर कूलाम होता है, यानी कि यम का मात्रक न्यूटन हो जाएगा दोस्तों, आवेश क्यू का मात्रक कूलाम। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक हो जाएगा दोस्तों न्यूटन पर कूलाम। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगले टर्म के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है फिगर के माध्यम से अब हम प्रूफ करेंगे दोस्तों कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कैसे की जाती है। दोस्तों मान लीजिए कि एक आवेश माइनस क्यू है और दूसरा आवेश प्लस क्यू है, यानी बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश और बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है। बिंदु ए और बी के बीच की दूरी जो है मान लीजिए दोस्तों एक बिंदु ओ है, तो बिंदु ए और ओ के बीच की दूरी एल और बिंदु ओ से बी के बीच की दूरी एल, और दोस्तों बिंदु ए से बी के बीच की टोटल दूरी जो है दोस्तों यह 2L है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यानी कि विद्युत अच्छी रेखा पर यानी कि उसके अक्ष पर किसी बिंदु पर, यानी मान लीजिए दोस्तों कोई बिंदु P है, यहीं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो दोस्तों हम मान लेंगे कि बिंदु O से P के बीच की दूरी स्मॉल r और बिंदु B से P की दूरी जो होगी दोस्तों स्मॉल r माइनस l, यानी टोटल दूरी में से यदि दोस्तों हम बिंदु O से B की दूरी यानी स्मॉल l को माइनस कर देंगे दोस्तों तो बिंदु B से P के बीच की दूरी आपका निकल जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों बिंदु A से P के बीच की दूरी क्या होगा दोस्तों,
तो उसमें क्या होगा दोस्तों, यानी कि बिंदु ओ से पी के बीच की दूरी स्मॉल आर, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ओ से पी के बीच की दूरी में यदि ए से बिंदु ए से ओ की बीच की दूरी आपस में ऐड कर देंगे दोस्तों, तो बिंदु ए से पी की बीच की दूरी आपका निकल जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा आर प्लस यार। तो दोस्तों आप प्रूफ करने के लिए, इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि माना दो आवेश है, पहला आवेश माइनस क्यू तथा बिंदु बी पर दूसरा आवेश प्लस क्यू है, तथा उसी रेखा पर बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, जिसमें बिंदु ए से ओ की बीच की दूरी एल तथा बिंदु ओ से बी की दूरी स्मॉल एल और बिंदु बी से पी की दूरी आर माइनस यल है। तो लिखेंगे दोस्तों सर्वप्रथम माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लिखेंगे यहां पर दोस्तों माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपका हो जाएगा दोस्तों E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी बिंदु माइनस क्यू आवेश के कारण दोस्तों होगा, तो माइनस क्यू आवेश के कारण दोस्तों देखेंगे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी जो दोस्तों आर स्क्वायर लिखा गया है यहाँ पर दूरी से रिलेटेड है, तो बिंदु ए से P के बीच की दूरी क्या है दोस्तों R माइनस L, तो R स्क्वायर के स्थान पर R प्लस L यही वैल्यू रख दिया जाएगा दोस्तों, तो आपका हो जाएगा दोस्तों E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। दोस्तों इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक उसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप लिखेंगे E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे, यानी कि इससे यानी बिंदु B से P के बीच की दूरी कितना है दोस्तों R माइनस L, तो यहां पर लिखेंगे E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे R माइनस L का होल स्क्वायर, इसे इक्वेशन 2 बना लीजिएगा दोस्तों, इसे E1 मान लीजिएगा दोस्तों, इसे E2 मान लीजिएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण यानी कि माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी लिखेंगे दोस्तों बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि इक्वल कर देंगे E2 माइनस E1 इक्वल हो जाएगा दोस्तों आपका E2 में से, यानी कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे दोस्तों, तो आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों आपका हो जाएगा इक्वल, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इस वाले पद में भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे दोस्तों,
आपका हो जाएगा दोस्तों क्यू बट्टे आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस क्यू बट्टे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों इक्वल आपका हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ देख रहे हैं दोस्तों कि अंश में क्यू पहले पद में भी है दूसरे पद में भी है, तो यहाँ से क्यू भी कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो आपका हो जाएगा 1/4πε0। यदि क्यू को कॉमन लेंगे दोस्तों तो कोष्ठक से बाहर आ जाएगा दोस्तों, तो आपका हो जाएगा 1/r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर। तो इसे दोस्तों सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा दोस्तों e इक्वल क्यू का 1 में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा दोस्तों, तो आपका हो जाएगा 4πε0 यानी क्यू बटे 4πε0। अब इसका क्या करेंगे दोस्तों तीनों गुणा कर देंगे, तो आपका हो जाएगा r प्लस l का होल स्क्वायर माइनस r माइनस l का होल स्क्वायर बटे दोस्तों। यहां पर ध्यान दीजिएगा, सपोज दैट मान लीजिए दोस्तों कि यह एक ब्रैकेट में a माइनस b दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b, इस स्क्वायर को आप भूल जाइए दोस्तों, तो आपका फार्मूला बन जाएगा एक ब्रैकेट में a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, तो आपका फार्मूला बन जाएगा दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ जो स्क्वायर लगा है दोनों पर सेम है, तो यही स्क्वायर आप यहाँ पर लगा देंगे सिस्टमेटिक ढंग से, इसी प्रकार आप इसे सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। इस स्क्वायर को आप भूल जाइए दोस्तों, तो आपका बन जाएगा एक ब्रैकेट में a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी तथा दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर उसके बाद जो स्क्वायर है दोस्तों यही लगा देंगे आप, उसके बाद जब इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपका हो जाएगा इक्वल क्यू बाई 4πε0। तो इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला से दोस्तों तोड़ देंगे, तो आपका हो जाएगा दोस्तों आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl बटे आपका हो जाएगा दोस्तों r की पावर 4 माइनस एल की पावर 4। तो इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपका हो जाएगा इक्वल क्यू बटे 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस। यदि दोस्तों ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह रहता है तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह चेंजेबल हो जाता है दोस्तों, तो आप यहां पर आपका हो जाएगा आर स्क्वायर, यहां पर प्लस है तो दोस्तों माइनस हो जाएगा, यहां पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा बटे r की पावर 4 माइनस l की पावर 4। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों r स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, l स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो 2rl और 2rl आपस में ऐड हो जाएगा दोस्तों, तो आपका हो जाएगा दोस्तों q बटे 4πε0 4rl बाई r की पावर 4 माइनस l की पावर 4। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर जो r के पावर 4 माइनस l के पावर 4 लिखा गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों कि r ग्रेटर ग्रेटर देन l, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि r का जो वैल्यू है l से काफी अधिक है, उस समय क्या होगा दोस्तों l के पावर 4 जो है उसका वैल्यू नगण्य माना जाएगा, यानी कि यह न के बराबर होगा दोस्तों, तो आपका हो जाएगा दोस्तों इक्वल 1/4π। तो दोस्तों आपका हो जाएगा एल के पावर 0 हो जाएगा दोस्तों, तो आपका यहाँ पर बचेगा आर के पावर 4, यहाँ पर आर के पावर 4 रहेगा दोस्तों, तो आपका हो जाएगा दोस्तों इक्वल 1/4πε0। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, आर से आर को कैंसिल करेंगे दोस्तों, तो आपका हो जाएगा 4l/r³। अब क्या करेंगे दोस्तों, 4 को 2×2 के रूप में तोड़ देंगे दोस्तों, तो आपका हो जाएगा 1/4πε0 2×2l/r³, यानी कि 2 का 2 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4l आ जाएगा, यानी मान में कोई चेंजेबल नहीं होगा, तो यहां पर जो 2l लिखा गया है दोस्तों यह द्विध्रुव आघूर्ण यानी p का वैल्यू है, यानी p इक्वल होता है फार्मूला की दृष्टि से 2l दोस्तों, तो अब क्या हो जाएगा 2l के स्थान पर हम यही वैल्यू p रख देंगे दोस्तों, तो आपका हो जाएगा दोस्तों इक्वल 1/4πε0 2
टू एल के स्थान पर दोस्तों पी रखेंगे तो आपका हो जाएगा टू पी बाई आर क्यू। दोस्तों यही फार्मूला आपको डिराइव करना था, यानी डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछेगा विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी रेखा पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कैसे की जाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको सिंपलिसिटी लैंग्वेज में आपको समझा दिया दोस्तों, यही फार्मूला है दोस्तों, अच्छी रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होगा E = 1 / 4 / epsilon not 2p / r³। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा और अपने उन फ्रेंड को अवश्य शेयर कीजिएगा दोस्तों जो प्रेजेंट टाइम में सत्र 2021 और 22 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों यह फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।